आ रहा है इसे देख कैसे मुंह खोल रही है ना छेड़ो उसने आपको पहले कितनी जोर से डरा दी है। देखो दोस्तों देखें ये रोने वाला हो चुका था और माशाल्लाह से इनको नहीं छेड़ते भाई ये बहुत तंग करते हैं और ये काट भी सकते हैं अगर इनका केज ना हो तो। नहीं ऊपर बैठा हुआ है चढ़ के इसके अंदर आज मैं आपको लामा दिखाता हूँ। लामा लामा कभी देखा है आपने वो बेबी लामा देखा कितना प्यारे हैं। काटते हैं ये काटते हैं नहीं काटते नहीं है ये देखा ये घर में रखते हैं देखा इनकी गर्दन कितनी लंबी है ये देखे वाइट भी है और देखा कितने प्यारे हैं काटते हैं देखा शेर मैं आपको दिखाता हूँ ना बेबी उसका कितना प्यारा है देखो कितना खूबसूरत बेबी है। हाँ जी कैसा लग रहा है पसंद आ रहा है या अभी भी बंदर वाले ख्याल आ रहे हैं आपको बंदर वाले आ रहे हैं ना आपने उसे तंग ज़्यादा किया इसलिए इसीलिए इसी वजह से उसने आपको तंग किया। ये है जी नील गाय इसके बेबी भी खड़े हैं साथ। ये है जी नील गाय माशाल्लाह से ये इसके बेबीज हैं। दोनों भाइयों की जो हैं वो अपनी ही मस्तियां चल रही हैं यार आ जाओ चलें जल्दी जल्दी किधर मुझे शेर दिखाओ आ जाओ मैं आपको शेर दिखाता हूँ आ जाओ। अजान साहब ये देखें ये गलत बात है यार वो डांट देंगे आओ नीचे उतरो मेरे बेटा शाबाश आ जाओ नीचे उतरो आ जाओ आ जाओ। ये है जी खूबसूरत सी नील गाय और वो भी खड़े हुए हैं उसके बेबीज भी हैं दोनों शायद मेल फीमेल यहाँ पे अवेलेबल हैं और उनके बेबीज भी हैं शायद। अपने एक खूबसूरत सा एनिमल दिखाऊं इतने लंबे लंबे सींगों वाला दिखाऊं फिर से पकड़ लिया आज मैं आपको लंबे लंबे सींगों वाला जानवर दिखाऊं आज मैं आपको जानवर दिखाऊं प्यारा सा खूबसूरत सा इतने प्यारे हैं माशाल्लाह सफेद उसके सींग देखिए अजान साहब देखिए कितने प्यारे सींग हैं इसके साइड में बैठी है उसके सिंग टूटा हुआ है नहीं वो बच्चा है ना अभी छोटा बच्चा है नहीं बच्चे के साइड पर जो बैठी हुई है उसके सिंग थोड़े टूटे हुए हैं ये टूटे हुए नहीं है उन्होंने ना ऊपर उसके पाइप बांधा हुआ है उसके सींगों के ऊपर ना पाइप लगाया हुआ है क्यों देखे कितना प्यारा है शेर सर जी मैं आपको शेर दिखाता हूँ अजान साहब ने सिर्फ और सिर्फ शेर देखना है इनको और कोई चीज़ नहीं दिखनी सिर्फ और सिर्फ जो है वो शेर देखना है उसमें दिलचस्पी है या कोई और चीज़ है देखो ठीक है इसको शायद बारह सिंगा ये है ना वो है बारह सिंगा कहते हैं इसे हरन कहते हैं डियर है ये डियर्स है देखिए ये भी बैठे हुए हैं इधर एक ये खड़ा हुआ है ये देखो ये सामने ज़ेब्रास खड़े हुए हैं दो ये खड़े हुए हैं और दो जो हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं घास वगैरह खा रहे हैं। अजान साहब आ जाओ मैं आपको ज़ेब्रा दिखाऊं आ जाओ स्मेल आ रही है ना बच्चों को जी स्मेल आ रही है वो ज़ेब्रा के करीब शायद नहीं आना चाह रहे देखो आ जाओ कितने प्यारे प्यारे हैं ये देखो वाइट वाले रैबिट्स माशाल्लाह से ये भी बैठे हुए हैं ये भी बैठे हुए हैं काफ़ी सारे जो हैं इतने सारे बैठे हुए हैं देखो ये भी आ रहा है ये देखो कितने प्यारे प्यारे बैठे हैं अजान साहब आपको ले दूं फिर इसका ख्याल करोगे इनका हैं ये देखो माशाल्लाह अल्लाह पाक देखें अल्लाह पाक की कुदरत ये घास भी खाता है अगर हमारे पास घास होती ना वो देखो घास खा रहा है ऑलरेडी ये देखो माशाल्लाह से सारे इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे ये देखो ये कोशिश कर रहा है ये चाह रहा है कि मुझे कुछ खिलाया जाए वो समझ रहा है शायद मैं उसे कुछ कोई चीज़ दे रहा हूँ या कोई चीज़ खिला रहा हूँ माशाल्लाह पहले मैं आपको ऑस्ट्रिच दिखाऊँ अजान साहब थक तो नहीं चुके आप मुझे ऑस्ट्रिच नहीं देखना बैठना
जी ये लीजिए, ये जनाब साहब जो हैं थक चुके हैं, कहता जी ऑस्ट्रिच मैंने नहीं देखने, मैंने यहाँ पे बैठना है। भाई हम यहाँ पे बैठने थोड़ी आए हैं, असल में पता क्या है, ये जनाब वाला बंदर से जो है डर चुके हैं, क्योंकि बंदर ने इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर छलांग लगाई है। अगर आज उसका केज ना होता तो अजान साहब जो हैं उसके पिंजरे के अंदर होते, ऐसे है ना बाबा थे ना साथ। जी सर, पानी पानी पानी, ओए ओए इसको भी देखो कितना बड़ा ऑस्ट्रिच है ये, देखिए ये चोंच मारने की ट्राई कर रहा है, देखिए मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये अपनी जो है ना इसका अपना मुंह खोलने की कोशिश कर रहा है, ओए ऐसे लग रहा है जैसे वो भैंस नहीं वजनी होती, इस भैंस की तरह वजन है इसका। जी इन दोनों भाइयों को चाहिए पानी पानी पानी, इन दोनों नवाबजादों को चाहिए पानी। जी फाइनली हम इस टाइम जो है वो घूम घुमा के थक चुके हैं, फिलहाल हम कर रहे हैं रेस्ट यहाँ पे बैठ के, और इन दोनों को चाहिए पानी, और पानी मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रहा। आज चले मैं आपको पानी पिलाता हूँ, भाई मैं अपने बच्चों को कहीं से पानी ढूंढ के हम पहले पिलाते हैं, इनको लगी है प्यास। तो माशाल्लाह से खूबसूरत सी डक्स जो हैं बैठी हुई हैं वाइट, और ये वाओ काफ़ी टाइम से कड़ा है ना, ये चेंज तो शायद ही होता होगा, देखे माशाल्लाह देखो सामने वो जो पानी में उतर रही है, कैसे उतरी है देखो। ये हैं जी सुर्ख हिरन, माशाल्लाह से 1 2 3 4 5 बैठे हुए हैं, ये देखो ये रेड वाले हिरन है कि बारहसिंगा, ये देखिए ये सामने रीच बैठा हुआ है, एक ये है दूसरा जो है यहाँ पे वो चक्कर काट रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है। बाबा। जी बेटा वो देख वो जिसका पिंजरा बंद है वो भी बैठे कहाँ पे, वो कहाँ बैठा हुआ है जो उनका पिंजरा बंद है, हाँ वो अंदर गया बैठा हुआ है। अजान साहब को तो पानी मिल चुका है, क्योंकि ये मुझे बार बार कह रहे थे कि हमने पानी पीना है पानी पीना है पानी पीना है, सर अब पानी मिल गया, अब पानी का बहाना तो ख़त्म हो गया ना। अलियान साहब देखो वो इतनी दूर चला गया है, ये देखें इतनी दूर चला गया है, वो देखें इसका काम चेक करें, वो जाके बैठ गया जैसे सिनेमा में नहीं बैठते होते। दोनों भाई एक को मैं बुला रहा था दूसरा भी वहीं चला गया, अब इतनी दूर से मुझे इनके पास जाना पड़ रहा है, इतनी दूर जाके ये दोनों नवाब साहब जो है ना, ये देखें ये अंदर जाके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज चलें यार भाई साहब, वो देखें एक भाई वहाँ पे बैठा हुआ है दूसरा भाई परफॉर्म कर रहा है, आज चलें आज मेरे बेटे चल बाय। जी जी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली हम पहुँच चुके हैं जी बब्बर शेर के केज के बिल्कुल सामने, और मैं आपको दिखाता हूँ साहब, ये देखिए ये बैठा हुआ है बब्बर शेर, देखा बब्बर शेर अलियान साहब देखा बब्बर शेर को, एक ये बैठा हुआ है दूसरा वो सो रहा है रेस्ट कर रहा है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा दूर था तो ये दोनों ना चहलकदमी कर रहे थे। अलियान नहीं करो यार शरारते मत करो, नहीं करो यार, नहीं लॉक लगा हुआ है। बब्बर शेर बैठे हुए हैं ये बिल्कुल हमारे चंद ही गज दूर, बिल्कुल हमारे सामने बैठा हुआ है, और ये देखे बेटा कितना खूबसूरत है दरिंदा है ये, अगर ये इसके अंदर ना होता तो अभी हम पे, वो देखो जी सो गया है, हमारी बिल्कुल उसके जो भी रेनी रेंग हमारे आने से, वो देखो उसकी वो भी देख रही है सामने क्या? उस, वो जीता है बाबा? ना वो फीमेल लाइन है, देखे वो देख रही थी अभी आंखें उठा के ना इधर हमारी तरफ, ये देखो सो गया है वो, भाई हमें बिल्कुल रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हमें, ठीक है वो भी वहां पे भी लाइन है, आज मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। वाओ ये देखिए जी बेबी लाइन है यहाँ पे, ये देखें जी माशाल्लाह से, वो देखो उसे प्यार कर रहे हैं शायद, देखे बेबी लाइन भी अवेलेबल है यहाँ पे, देखे कितना खूबसूरत है,
ठीक है, अपनी मम्मा के साथ कितना प्यार से बैठा हुआ है। ये उसका बेटा है ना, आपकी मम्मा ने कभी आपको डांटा है? देखो ये बिल्कुल काटेगी भाई, वो हाथ भी नहीं लगाने देगी। ये देखो ना करो, ये वो सार है इसे, ठीक है, कैसे मुंह खोल रही है, देखा इसने अटैक कर दिया। ओए ओए ओए, देखे अब समझ लगी है, मैं मना कर रहा हूँ आपको, आपको मना कर रहा हूँ कि उसे कुछ ना कहो। ये देखे ना गुस्से में आ गई है, ये गुस्से में आ गया। जान साहब ना छेड़ो उसे भाई, वो समझ रही है कि हम उसे ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो इसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, ये देखो नाखून है इसके, ये देखो नाखून है इसके, दांत देखे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठीक है, इसका बेबी बैठा हुआ है, बेबी लाइन। इसने भाई अटैक कर दिया है, जबरदस्त अटैक किया है, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये इसका दरवाज़ा ना होता ना तो इसने अभी आलियान साहब को पकड़ लेना था, ठीक है, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि आप शरारतें ना करो। ये चित्ती है इसकी माँ जो है ना, इसकी माँ चित्ती है, आ जाओ भाई चलें चलें। वो शायद समझ रही है कि हम इसे ना इसके बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं या हम प्लान कर रहे हैं कोई, तो वो इसी वजह से ना अलर्ट बैठी हुई है यहाँ पे।